मनी फ्रंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप ना ही सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहाँ पर कमीशन चार्ज होता है, कमीशन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंस्टा कैश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट FDs AAA रेटेड कॉर्पोरेट NPS के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अनलिस्टेड शेयर्स आप बाय कर सकते हो, PMS सर्विस अगर आपको अवेल करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अवेल करनी है तो वो भी अवेल कर सकते हो, फ्री है ऐप पे अकाउंट ओपनिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। एशियन पेंट के Q2 के रिजल्ट्स आ गए हैं, चेक करते हैं कैसे रिजल्ट्स आपको एशियन पेंट्स के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें एशियन पेंट्स की तो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 3.65 रुपीज़ का एक इंटरम डिविडेंड दिया है 31 मार्च 2022, उसका रिकॉर्ड डेट था, रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइंड द एंटाइटलमेंट शेयर होल्डर डिविडेंड हैज बीन फिक्स्ड टू 29 अगस्त। आई गेस कंपनी ने 3 रुपये का शायद डिविडेंड दिया है, पेमेंट करने वाली है कंपनी, डिक्लेयर नया किया नहीं है, जो भी होगा ठीक है, डिविडेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है वो है रिजल्ट्स। ये है इनके ऑडिटेड फाइनेंशियल, हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टैंड अलोन है ये, ओके विल चेक इट कंसोलिडेटेड, ये स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर दिए गए होंगे तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होंगे। लेट्स सी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, जो भी फिगर्स है सारे रुपीज़ इन करोड्स में है, और फिगर्स मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा अगर आपको फिगर्स क्लियरली नहीं दिख रहे, तो फिगर्स सारे रुपीज़ इन करोड्स में है। टोटल इनकम की बात करें 7,200 लास्ट क्वार्टर, 5,000 लास्ट ईयर, 5,000, तो वाई ऑन वाई भी शानदार है, क्यू ऑन क्यू भी शानदार इनकम आती हुई आपको देखने को मिली। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें 608 करोड़ का आया है, लास्ट क्वार्टर 574 करोड़ का था, लास्ट ईयर 851 करोड़ का था, थोड़ा सा आपको वाई ऑन वाई डिप आता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। देखिए एक्सपेंसेस 6,400 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं जबकि लास्ट ईयर तक लास्ट क्वार्टर तक 4,000 के रेंज में थे, तो एक्सपेंसेस काफ़ी तेज़ी से कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं क्रूड ऑयल की वजह से, तो आपको थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पर डेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर में से कंपनी है, अगर पेंट सेक्टर में से अगर आपको जाना है तो एशियन पेंट के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई कंपनी आपको खरीदनी चाहिए। बाकी आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।